हेलो फ्रेंड्स, तन्मया की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी स्नैक्स रेसिपी जो कि है पोहा चिवड़ा। जी हाँ, इसे अक्सर हम मार्केट से लाते हैं, पर आज हम बहुत ही आसान तरीके से इसे घर पर बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसे आज हम बिल्कुल कम घी या तेल में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी पोहा चिवड़ा। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक इस तरह की कढ़ाई। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप पोहे। इन्हें मैं बिना घी या तेल के रोस्ट कर रही हूँ। लगभग इसे 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए सेक लेना है। और ये देखिए, इस तरह से अच्छे तरह से सिक जाएंगे। इसे चेक कर लेना है, ये इस तरह से टूटते हैं और क्रंच हो गए। इसे हम अलग बाउल में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में मैंने बिना घी या तेल के मखाने डाल रही हूँ 1 कप, और इन्हें भी लगभग 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। और अब इसे भी चेक कर लेंगे, ये इस तरह से टूटने लग जाएंगे और क्रंची हो जाते हैं। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक कढ़ाई, उसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तेल गर्म होने पर इसमें मैं डाल रही हूँ ये कॉर्नफ्लेक्स। ये आपको किसी भी आपके आसपास किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। ये जो हम भेल में काम लेते हैं वो कॉर्नफ्लेक्स है। इन्हें मैं अच्छे से फ्राई करके ले रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ठीक। अब मैं वही कढ़ाई ले रही हूँ जिसमें मैंने पोहे और मखाने रोस्ट किए थे। उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून घी। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून जीरा, कुछ करी पत्ते। इन्हें अच्छी तरह से तेल में भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 कप मूंगफली के दाने। ये देखिए, इन्हें हमें 4 से 5 सेकेंड तक अच्छे से इसमें भून लेना है, बराबर चलाते रहें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बादाम। इन्हें भी 4-5 सेकेंड तक तल लेना है। ये देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप काजू। ये सभी चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड करें, वरना जो भी हो आप उससे अपना ये पोहा चिवड़ा बना सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सूखे नारियल के कटे हुए पीसेस 1/4 कप। इन्हें भी अच्छी तरह से इसमें तल लेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप किशमिश, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, अगर आपको तीखा ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा यूज़ में ले सकते हैं, 1 टीस्पून चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार। इन सभी मसालों को इन ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और लगभग 4 से 5 सेकेंड तक इसे मसालों को पका लेंगे। मसाले पक चुके हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ रोस्ट किया हुआ पोहा। पोहे को एक बार इन मसालों के और ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, इसे आराम से मिलाएं, नहीं तो पोहे टूट जाएंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ रोस्ट किए हुए मखाने, फ्राइड कॉर्नफ्लेक्स, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी। ये देखिए, अब इन सभी को आप अच्छे से मिला लें। अब इसमें लास्ट में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून पुदीने का पाउडर। अब इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आराम से मिलाएं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, और देखने में कितना अच्छा और बिल्कुल मार्केट जैसा चिवड़ा लग रहा है। तो तैयार है हमारा पोहे का बहुत ही सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी पोहे का चिवड़ा। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, घर पर ट्राई करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो तन्मया की रसोई से आज आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।